आप सबको नमस्कार। जो जो चैनल से पहली बारी जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। महुआ मोइत्रा केस गंभीर था पहले, पर अब गंभीर से भी आगे बढ़ गया है। राष्ट्र सुरक्षा की एक एंगल पे बात हो रही थी, पर अब नेशनल सिक्योरिटी की दूसरे एंगल, जॉर्ज सोरोस एंगल से भी बात करनी पड़ेगी। ये एक अनियन की तरह हो गया है केस। एक पील उतारो तो दूसरी पील उतारो तो तीसरी पील, चौथी पील, पांचवी पील, और हर पील की जो एलिगेशन है वो पिछली से ज्यादा घातक है, महुआ मोइत्रा के लिए भी और देश की सुरक्षा के लिए भी। पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 2-3 दिन पहले ये पूरा जो एक ड्रामा क्रिएट हुआ कि एप्पल के आईफोन की हैकिंग कर रही है स्टेट स्पॉन्सर्ड, और वो स्टेट स्पॉन्सर्ड पे सीधा मोदी सरकार का नाम देना शुरू कर दिया विपक्ष के कई नेताओं ने, उसको लीड काफी हद तक किया महुआ मोइत्रा ने। महुआ मोइत्रा की लीड पे ही उसने स्पीकर को भी लिखा, ये शायद स्क्रीनशॉट है, हाँ, पीपिंग टॉम गवर्नमेंट, मोदी प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया पे पर्सनल एलिगेशंस लगा लगा के उन्होंने बहुत कुछ बोला। वैसे वो ड्रामा करती हैं और आके बोलती हैं कि फिल्दी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये देखिए। और खुद प्रधानमंत्री को पीपिंग टॉम, उस तरह की बातें, उस तरह के गंभीर पर्सनल एलिगेशंस लगाती हैं, पर ये बात राष्ट्र सुरक्षा की है, पॉलिटिकल एलिगेशंस की नहीं है। तो जो ये एप्पल हैकिंग का आया, उसके बाद दो चीजें सामने आई। पहला, एप्पल ने खुद ही कह दिया कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, जब कोई ऑर्गेनाइज्ड या बड़ा ग्रुप करता है तो ऐसी नोटिफिकेशन जाती है। दूसरी बात जो एप्पल ने बोली कि 150 देश में गया है, 150 देश में गया, उन देशों के भी तो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, उन देशों के ऑपोजिशन लीडर्स ने अपनी देश की सरकार को बदनाम नहीं किया, उसको अटैक नहीं किया, सिर्फ ये सौभाग्य प्रधानमंत्री मोदी को मिला कि वो 150 देशों पे हैकिंग कर सकते हैं, ऐसी एलिगेशन लगे। फिर एक ट्वीट आता है जो एक सीनियर मेंबर है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, श्री संजीव सन्याल, इंटेलेक्चुअल आदमी है, वो बताते हैं कि किस तरह जो ये थ्रेट एप्पल का आया था, एप्पल ने आगे किसी को दिया हुआ है। जो ये सारे फैक्ट चेकिंग का धंधा है ना, ये बड़ी बड़ी कंपनियां आगे किसी को दे देती हैं, तो एप्पल ने आगे किसी को दिया हुआ है। वो एक एनजीओ है, accessnow.org करके। अब जॉर्ज सोरोस की क्या स्पेशलिटी है, वो इन एनजीओ के अंदर अपने लोग भर देता है, पैसे दे देता है, कंट्रोल कर लेता है, और ये जो एनजीओ है कंप्लीटली लिंक्ड है जॉर्ज सोरोस। बहुत सारे इसके ऑफिस बेयरर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, जिनके जो एक टैंगल्ड वेब होता है ना, एक से एक कड़ी जुड़ी होती है, वो कहीं ना कहीं बहुत तरह से जॉर्ज सोरोस से जुड़ी हुई है। और ये कैसे मैसेजेस आ रहे हैं, ये एक सवाल था। अच्छा, आपको पता है हाल ही में एलॉन मस्क, वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी, वो जो रोगन के पॉडकास्ट पे था, वो जो रोगन का पॉडकास्ट वर्ल्ड का शायद सबसे बड़ा पॉडकास्ट है, उसमें वो बताता है कि जॉर्ज सोरोस की जो स्ट्रेटेजी है वो पूरे वर्ल्ड के लिए घातक है, और वो किस तरह कम पैसे में बहुत बढ़िया काम कर लेता है अपनी विचारधारा के खिलाफ। और यही इंडिया में भी लागू है, तो आपको अवेयर होना चाहिए। एलॉन मस्क, जिसके पास ट्विटर से लेके सारी टॉप खबर है, वो जो अंदर में बताता है एलॉन जॉर्ज सोरोस की स्ट्रेटेजी, उसको आप 2 शब्दों में सुन लीजिए, बहुत छोटी है, 1 मिनट से भी कम की क्लिप है, कि ये जो पूरी गेम है ये कैसे हो रही है, देखिए। You know, he is, I believe, the top contributor to the Democratic Party. The second one was Sam Bankman-Fried. Yeah. So, and Soros, I don't know. I mean, he had a very difficult upbringing. I, in my opinion, he fundamentally hates humanity. That's my opinion. Really? मेरे विचार से वो fundamentally humanity को ही hate करता है। बहुत बड़ी बात है ये कि मानव को, ह्यूमैनिटी को, वर्ल्ड को, पॉपुलेशन को एक नफरत से भरा व्यक्ति है, वो ह्यूमैनिटी को हेट करता है। एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, ये वो बात नहीं हो रही जब वो प्रधानमंत्री मोदी पे आके बोला था कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़ा झटका है, प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़ा सेटबैक है, ये ह्यूमैनिटी को हेट करने की बात हो रही है। और वो इसकी स्ट्रैटेजी को बताते हैं, इसकी स्ट्रैटेजी पे वो बताते हैं कि यूएस के अंदर जो डीए है,
पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो इलेक्ट होता है, और जो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर इलेक्ट होता है उसके अंदर ये सुनिए, that the value for money in local races is much higher than it is in national races. So the lowest value for money is a presidential race. Then next lowest value for money is a Senate race, then a Congress, and then, but once you get to sort of city and state district attorneys, the value for money is extremely good. And Soros realized that you don't actually need to change the laws, you just need to change how they're enforced. If nobody should... अब समझो क्या बोल रहे हैं, बिजनेसमैन है धंधा समझते हैं, वो बोलते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना वैल्यू फॉर मनी ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हजारों करोड़ लग जाता है यूएस के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में या भारत के प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने में, हजारों करोड़ों का एक कैंपेन कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो यूएस की बात करते हैं, बोलते हैं प्रेसिडेंट पे जॉर्ज सोरोस थोड़ा बहुत देता है पर बहुत नहीं, फिर उससे महंगा क्या होता है, चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करना या सेनेटर इलेक्ट करना, तो सबसे सस्ता क्या है, क्योंकि वहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर इलेक्ट, जैसे ईडी का डायरेक्टर सोचो इलेक्ट होता हो, सोचो एसएचओ इलेक्ट होता हो, सोचो आप के कोर्ट के अंदर जो ईडी का केस रखता हो वो इलेक्ट होता हो, एक्चुअली कोर्ट के अंदर जो ईडी का केस रखता है वो बेटर एग्जांपल है, पर वहां पे थोड़ा मिक्सचर है, तो आप ऐसे मान लीजिए सीबीआई का डायरेक्टर इलेक्ट होता हो, तो ये प्राइम मिनिस्टर जितना बड़ा चुनाव नहीं, और स्टेट के अंदर आईजी इलेक्ट होता हो, डीजीपी इलेक्ट होता हो, या जो स्टेट का एडवोकेट जनरल है, एडिशनल एडवोकेट जनरल है, लोकल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जिले के अंदर जो प्रोसिक्यूशन करता है वो इलेक्ट होता हो, तो यहां वो फोकस करता है और इसके साथ फिर वो डिसाइड करता है ये कानून के अंदर इसको जेल भेजो। सस्ता खर्चा है, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, लाखों में या कुछ करोड़ों में इलेक्ट हो जाएगा, और वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि आप अपने राइवल्स को जेल भेजवा पाएंगे। ये स्ट्रैटेजी जॉर्ज सोरोस की जो उसने बताई हुई है, और अब जॉर्ज सोरोस के खुद से मुंह से माना हुआ सबसे बड़ा दुश्मन है प्रधानमंत्री मोदी। रिवर्टिंग टू इंडिया, मोदी एंड बिजनेस टाइकून अदानी आर क्लोज एलाइज, देयर फेट इज इंटरट्वाइंड। अदानी एंटरप्राइजेस ट्राइड टू रेज फंड्स इन द स्टॉक मार्केट but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. ये याद है आपको, ये उस समय का है जब स्टॉक मैनिपुलेशन की बात हो रही थी, अडानी के शेयर बिलियंस ऑफ डॉलर्स नीचे जा रहे थे, और कब का कहना था कि उसमें अडानी का ही नहीं, मार्केट का पैसा, इंडिया का पैसा, आम आदमी का पैसा डूब रहा था, सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर रही है। ये सीधा महुआ मोइत्रा से आपको जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि बार बार उनके ऊपर एलिगेशन आई है कि वो महुआ मोइत्रा, जो ये पूरा सिस्टम है इसका, हिंडनबर्ग का ये पूरा सिस्टम है जो जॉर्ज सोरोस का, उसमें इन्वॉल्व है। तो उनके खुद के आप शब्द सुन लीजिए, और फिर अब देहादरी की कंप्लेंट का एक पैराग्राफ आपको दिखाऊंगा। Now they say FT Soros, we are all Soros agent. We are all Soros agent, but for Adani, even real brothers not a related party. तो वो sarcastically कहना चाह रही हैं कि हम सब Soros के agent हैं, पर ये सबको दिख रहा है कि वो जो agenda उठाती हैं उसमें Soros का फायदा हो रहा है, Hindenburg report का फायदा। अब कोई बात भी नहीं कर रहा Hindenburg, और 10 दिन भारत में कोई और बात नहीं हो रही थी, hundreds of billions और हजारों हजार करोड़ डूब रहा था, तब कोई बात नहीं हो रही अब इसकी कि क्या हुआ उसका, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी, और कंपनी इतनी फ्रॉड थी तो कोलैप्स क्यों नहीं कर गई, नष्ट क्यों नहीं होगी, बर्बाद क्यों नहीं होगी, रिकवर क्यों हो गई, ये कोई बात नहीं कर रहा। और उसके ऊपर तो सारा प्रेशर आ गया था, ग्लोबल प्रेशर आ गया था, शॉर्ट सेलिंग हो गई थी, उसके बॉन्ड स्टॉक सबके ऊपर आतंक मच गया था, क्यों नहीं हुआ। अब मैं बता देता हूं जो जेठमलानी की ट्वीट है, महेश जेठमलानी, उनकी ट्वीट आई है जिसपे उन्होंने देहादरी कंप्लेंट को कोट किया है। वो कहते हैं कि जो सीबीआई की कंप्लेंट है, लोगों ने बहुत कुछ नोटिस कर लिया, पर उसका एक पैराग्राफ, क्रिप्टिक पैराग्राफ, बहुत एक्सप्लेन पैराग्राफ नहीं है जो देहादरी ने डाला है। देहादरी ने बीच में एक ट्वीट भी किया था कि महुआ मोइत्रा इससे बहुत ज्यादा चीजों के अंदर फंसने वाली है, मैं एग्जैक्ट वर्ड भूल गया, पर ऐसा ही कुछ था कि अभी तक जो आया है ये तो कुछ भी नहीं है, इसके आगे बहुत कुछ आएगा। तो जेठमलानी जो करते हैं वो कहते हैं कि नोटेबली The much publicized Hindenburg report
contained a direct reference from the complaint filed by Mohua Mohitra against Adani. हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो महुआ मोहतरा की कंप्लेंट का डायरेक्ट रेफरेंस देती थी। तो क्या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो कंप्लेंट करी उसको जेन्युइन दिखा के आधार बना के हिंडनबर्ग ने उसको ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स को दिखाया और ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान चला। इसके आगे वो कहते हैं कि ये ऑब्वियसली एक सवाल रेज करता है कि इंडिया का कॉरपोरेट और पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है, जो अडानी के एंटी हैं बिजनेस रीजंस के लिए या मैलेस के लिए, क्या उन्होंने हिंडनबर्ग से मिलके एक मैसिव बेयर कंट्रोवर्सी के स्टॉक मार्केट का जो प्राइस गिरता है उसमें भी बहुत लोग पैसा कमाते हैं। वो बोलते हैं कि 100 रुपए का शेयर है और वो 80 रुपए का हो जाएगा, उस पे भी वो पैसा कमाते हैं। तो क्या ये लाखों करोड़ों का फायदा हुआ जिसमें इनोसेंट इन्वेस्टर का नुकसान हुआ है? वो कहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट कमेटी को इसको भी देखना चाहिए, क्योंकि ध्यादरी की कंप्लेंट का ये पैराग्राफ बहुत रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महुआ मोहित्रा के पास इतनी स्पेसिफिक जानकारी कि वो क्या क्या लिखे, क्या ये हिंडनबर्ग ने सप्लाई की थी या हिंडनबर्ग को खुश करने के लिए उन्होंने लिखा था या ये कोइंसिडेंस था, ये तो जांच ही बता सकती है, हम नहीं बता सकते। पर हाँ, एक बात सीरियस है, एप्पल हैकिंग क्या तो सारी हवा की फुस निकल गई, क्योंकि एप्पल ने भी कंफर्म कर दिया, ये भी दिखा कि वो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पीछे कौन है, जैसे विकिपीडिया के पीछे कौन बैठे हुए हैं ये सवाल रहता ही है। और यहाँ पे भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो एक साल पहले का था उसका भी पैराग्राफ में मेंशन है। मुझे लगता है कि एडवोकेट दिहादरी की जो एविडेंस होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देश के अंदर। अगर ये साबित हो पाया तो नेशनल सिक्योरिटी, करप्शन और क्लेनलीनेस ऑफ पब्लिक लाइफ, ये तीनों इससे प्रभावित होगी। वो बात अलग है कि ड्रामा में कोई भी कार्ड खेलते रहो उससे लीगल बात पे फर्क नहीं पड़ता। भारत माता की जय।